नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबर। चीनी मिल के जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने पहुंचे चौकीदार की पिटाई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने आए चौकीदार भोला राम की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंचे डीएसपी के पुलिस टीम पर भगवान डीह के लोगों ने हमला कर कई पुलिस कर्मी को जख्मी कर दिया। पुलिस के द्वारा आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, पर आरोपी चंद्रिका राय को कुछ लोगों ने जबरन छुड़ा लिया। हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घायलों को पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार जमीन पर अतिक्रमण के दौरान पुलिस टीम चौकीदार पर हमला करने वाले आरोपी चंद्रिका राय और रोहित कुमार को गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाया ही था कि अन्य लोगों ने पत्थर, लाठी और डंडे से पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मी भाग निकले। इधर लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी की तोड़फोड़ की गई। इस हमले में पुलिस पदाधिकारी शंकर ठाकुर, सकलदेव पासवान, हरिचंद्र सिंह, विनोद पांडे, शिवजी शाह, सैफ के जवान विजय कुमार प्रसाद, मोहम्मद शमशाद आलम, भगवान सिंह और मुंद्रिका प्रसाद सहित कई जख्मी हुए। वहीं प्रभारी थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने कहा कि हमलावरों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार हुए रोहित को जेल भेजा जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।